हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल सारिका गुप्ता रेसिपीज में। तो चलिए देख लेते हैं आज कौन सी रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कोलकाता से हूँ और कोलकाता में रहती हूँ, यानी कि बहुत सारे बंगाली रेसिपीज़ जो है वो मुझे खाने का भी मैं लुत्फ़ उठाती हूँ, साथ में बनाना भी सीखा है। बहुत सारे नेबर्स में जितने बंगाली फैमिलीज रहते हैं या फिर फ्रेंड्स रहते हैं, इस तरह से काफ़ी कुछ बंगाली खाना मैं आप लोगों के साथ टाइम टाइम पर शेयर करती हूँ। तो उसी तरह से आज भी लेके आ गई हूँ एक बंगाली रेसिपी आप लोगों के लिए, जो कतला फिश होती है, कतला मछली, उसका एक प्रिपरेशन बनता है बंगाली में जिसे कहते हैं कतला कालिया। तो वो आज मैं बनाऊंगी, फूल गोभी और आलू भी उसमें रहेगा। फूल गोभी और आलू डाल के कतला कालिया की एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी बनी है कि नहीं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनेगा कतला कालिया। सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या चाहिए होगा। यहाँ 3 टोमेटो को मैंने रफली चॉप किया है, साथ में एक बड़े साइज का प्याज है, हरी मिर्च है, इन सब का बारी बारी से पेस्ट बनाना है। इसके अलावा ये देखिए अदरक लहसुन है, इसमें हरी मिर्च डाल के पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा हमें कतला फिश चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 4 पीसेज मैंने लिए हैं, जिसको अच्छी तरह वॉश करके हल्दी और नमक लगा के मैरिनेट करके रख लिया है। साथ में चाहिए होगा गोभी और आलू भी, जैसा कि मैंने बताया। तो गोभी और आलू को मैंने 2 मिनट के लिए उबाल लिया है हल्दी नमक और थोड़ा हींग डाल के। इसके बाद इस पानी को फेंक देंगे और इसे एक बार फ्रेश वाटर से अच्छी तरह और धो लेंगे। इसके बाद इसको अलग से रख लेंगे, फिर फ्राई होगा ये। फ्रेंड्स, क्योंकि घर के लिए खाना बन रहा था तो कतला फिश के साथ हमें एग भी डालना था, तो इसीलिए मैंने एग को भी यहाँ बॉईल करने के बाद हल्दी नमक और ज़रा सा शक्कर डाल के मैरिनेट करके रखा है। इसको भी फ्राई करके कतला फिश की जो कालिया बनेगी उसी करी में डाल देंगे हम लोग। तो चलिए, अब ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में सरसों तेल को खूब अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। ध्यान रखिए, जब भी मछली बनानी है तो कढ़ाई में जो सरसों तेल है वो कच्चापन नहीं रहना चाहिए, खूब धुआं निकलने लगे तब आप उसमें मछली को फ्राई कीजिए। और ये देखिए गोभी और आलू को मैंने एक बार फिर से वॉश करके रख लिया है, तो बॉयल होने के बाद तो ये थोड़ा पक ही चुका है, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके अलावा टमाटर का पेस्ट तो बन गया है, लेकिन 2-3 पीसेस देखिए मैंने ऐसे रख लिया है, इसको यूँ ही डालूंगी। साथ में 2 हरी मिर्च है, इसको भी यूँ ही डाल लेंगे। और बाकी जो टमाटर थे उन टमाटर का हमने पेस्ट बना लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे 3 टमाटर का पेस्ट है, इसके अलावा अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है। देखिए फ्रेंड्स, तेल से धुआं निकलने लगा, यानी कि खूब अच्छी तरह गर्म हो गया। तो अब मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली को अच्छी तरह फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, और इसके बाद उसी सेम ऑयल में आलू जो है उसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। ध्यान रखिए, ये प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आलू को फ्राई करना है मछली के बाद, और 2 मिनट तक आलू को फ्राई कर लीजिए। इसके बाद उसी सेम ऑयल में गोभी भी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि आलू को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पकने के लिए, तो आलू जो है ना फ्राई होते होते ही पक जाएगा। तो ये देखिए गोभी को मैंने निकाल लिया है, आलू को थोड़ी और देर तेल में रहने देंगे, और इसी के साथ साथ जो हमने अंडे को मैरिनेट करके रखा था हल्दी नमक और शक्कर के साथ, इसको भी डाल देंगे। और साथ में अंडे में चीरा ज़रूर लगा दीजिए स्लिट्स। और ये देखिए सारी चीज़ें फ्राई हो गई। अब सेम ऑयल में मैंने डाल दिया है 1 तेज़पत्ता, साथ में पचफोड़न। और जैसे ही पचफोड़न चटकने लग जाए, इसी में बारी बारी से डाल देंगे पहले प्याज का पेस्ट, इसके बाद डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था। और इसके बाद साथ ही साथ में हम लोग डाल देंगे जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था। और सारी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से तेज़ आंच पे कुछ देर पकाना है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट भी हमने डाल दिया, और इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से पकाना है। करीब करीब 4 से 5 मिनट तक इसको भून लीजिए खूब अच्छी तरह से। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, और अब कैसे तेल छोड़ दिया है, साथ में कलर भी चेंज हो गया है। तो ऐसे स्टेज में अब इसमें सूखे मसाले डाल लेंगे। सूखे मसालों में हमें चाहिए होगा लाल मिर्च, जो कि आप स्वाद अनुसार ले लीजिए जितना तीखा आपको चाहिए। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर करीब करीब छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसके अलावा इसमें चाहिए होगा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, तो वो मैं घर पे ही रोस्ट करके रखती हूँ। ये देखिए इसमें जीरा और धनिया दोनों है रोस्ट किया हुआ। और इसके अलावा डाल देंगे गरम मसाला पाउडर छोटी चम्मच से 1 चम्मच,
और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसको भी खूब अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है लो टू मीडियम फ्लेम में। अब आँच को धीमी रख के पकाइए और देखिए जैसे जैसे ये पकता जाएगा बहुत अच्छा कलर आता जाएगा इसमें। और इसके अलावा इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, और इसके अलावा इसमें चाहेगा एक चम्मच चीनी भी। जी हाँ, बंगाली फूड जो है वो हल्का सा मिठास उसमें ज़रूरी होता है, तो इसीलिए एक चम्मच चीनी भी डालेंगे। और इसी स्टेज में देखिए मैंने आलू को फिर से डाल दिया है, इससे क्या होगा आलू में जो भी रही सही कसर बाकी थी फ्राई होने के बाद वो मसालों के साथ भून के आलू पूरी तरह से पक जाएगा। इससे क्या होगा मछली डालने के बाद आपको ज़्यादा देर उबालना नहीं पड़ेगा कि आलू पका नहीं है, तो आलू जो है ऑलरेडी पक जाएगा इसी तरह से। अब जितना आपको करी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए, ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो कम डालिए, थोड़ा पतली करी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल लीजिए, क्योंकि इसे 1 से 2 मिनट उबालना भी है तो वो ध्यान रखिए, थोड़ा सा तो सूख भी जाएगा पानी, तो उस अकॉर्डिंग आप पानी ले लीजिए जितना आपको करी चाहिए होगा। और आलू तो पहले ही हमने डाल दिया था, और जैसे ही उबाल आने लगे इसमें जो फूल गोभी था और अंडा था ये सब कुछ भी मैं डाल दे रही हूँ। अंडा वैसे ऑप्शनल है, मैं घर के लिए बना रही थी बोल के डाल दी हूँ, कातला कालिया में अंडा नहीं डालने की ज़रूरत है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो मछली है ये सब कुछ भी मैंने इसमें डाल दिया। अब बस कुछ भी नहीं करना है, इसमें डाल देंगे धनिया की पत्तियाँ और ढक्कन लगा के इसे 2 से 3 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि आलू ऑलरेडी पका हुआ है और आपकी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ मैं बताना भूल गई थी कि ढक्कन लगाने से पहले 1 चम्मच देसी घी भी डाल दीजिए। और ये देखिए बन के तैयार है, मैंने कटोरी में सर्व कर दिया है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, तो जिसको भी मछली पसंद होगी उसे ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा बनती है कातला कालिया। अगर आप चाहें तो गोभी नहीं डालना है तो गोभी भी आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आलू डाल के बनाएं या फिर सिर्फ मछली की करी भी आप बना सकते हैं। तो कैसी लगी है ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और इसके अलावा देखिए कातला कालिया के बगल में प्रॉन रखी हुई आपको दिख रही है, तो वो जो प्रॉन है ना वो रेसिपी मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जिस दिन मैंने ये रेसिपी बनाई थी उसी दिन ये प्रॉन वाली रेसिपी भी बनाई थी। देख रहे हैं ना कितनी यम्मी लग रही है, तो इस रेसिपी को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कल आएगी, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूवर्स जो आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं आपको, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, हर रोज़ ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी कल एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।